Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.

ओके जी सो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाले गुजी गुजी पूजी बैग से जो कि मैंने पेयर लिया था काशिफ़ ने ये वाला लिया था और मैंने ये वाला लिया था बैग बहुत ही प्यारा सा बैग है ये और जिस जिसने मेरे दुबई के व्लॉग्स देखे ना उनको पता होगा कि दुबई में पूरे टाइम काशिफ ये बैग पैक लेके घूम रहे थे एंड मैं ये वाला बैग लेके घूम रही थी इसके अलावा भी और बहुत सारे थे लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया था क्योंकि काफ़ी अच्छा है ज़बरदस्त है डिसेंट है इसको मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया है और इसके अलावा ये वाला जो गुजी वाला जो बैकपैक है ये भी बहुत ज़बरदस्त है तो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है दिस इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट बहुत स्पेशल बहुत स्पेशल क्योंकि ये जो बैग है बैक पैक ये अभी तक अन टच है इसको हमने यूज़ नहीं किया है ये काशिफ़ लेकर आए थे सऊदिया से वैसे तो काशिफ बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे लेकिन उसमें एक ही ये बैग मेरे पास बचा हुआ है बाकी तो वो सब यू you नो know, बाट देते थे गिफ्ट कर देते थे दे देते थे तो मेरे मैं बोलती थी यार मुझे ना एक ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे बेशा कहती थी यार कोई ऐसी चीज़ तो जो मैं अपने बच्चों को बताऊं भैया आपके अब्बा बाहर रहकर आए इतने सालों ये ये चीजें आपके लिए इकट्ठा किए उन्होंने मेरे घर मतलब जितने भी टॉयज थे सारी चीजें थी सब बांट दिए बैग शैग हर चीज उन्होंने दे दी कहते थे यार जब बच्चे होंगे ना तो उनके नसीब से मिल जाएगा ये बड़ी अच्छी बात कही आप बेशक अलहमदुल्ला हम लोग आपको पता जाते आते रहते हैं लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो मैंने छुपा के रखी हुई थी किसी को नहीं देने दी थी वो था ये बैग जो मैं चाहती थी कि मेरे जो है ना जब बच्चे हों बेटा हो बेटी हो वो इस्तेमाल करें तो फ़िलहाल ये अजहान के नाम कर दिया है ये मेरे लिए मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब करीब है, दिल के करीब है इसके बाद हम आ जाते हैं ये वाले बैग पे जो कि बहुत ही हुलूलुलू टाइप्स का है मुझे बहुत पसंद आया था बाकू से तो ये मैंने लिया था दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट दिस इज़ ओरिजिनल बाय द वे मैं आपको दिखा दूँ प्राडा तो ये दुबई से अरसल जब गई थी तो जिन्होंने भी मेरे पहले ब्लॉग्स देखे हुए वो सब तो देख के पहचान जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई हुई है पीछे अजान भी आप लोगों को पीछे मेरा बेटा तो नज़र आएगा उसे तो आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि उसको हम कहीं भेज तो सकते नहीं है तो ये प्राणा आ गया ये हमारा दुबई से आया था असलना लेकर आई थी इसके बाद भाई काशिफ ने मुझे बहुत शॉक किया था वैसे काशिफ जो है ना पैसे दे देते हैं आप लोग जानते हो शॉपिंग में थोड़ा सा कच्चे थे अब जाके ठीक हुए मतलब शादी के दो साल तक वो शॉपिंग नहीं करते थे वो मुझे बोलते थे यार जो भी लेना है ना उच्च आप ऐसा करो ले लो पैसे ले लो जाके लेकर आ जाओ तो बहरहाल हाल ये काशिफ का एक पहला फ़र्स्ट मेरा जो है ना वो बैग था जो काशिफ ने मुझे गिफ्ट किया था ख़ुद से खुद से लाके दिया था ये यहीं से ही लिया हुआ है नॉर्मल मार्केट से आई गेस तो बहुत ही प्यारा है जो मैंने आज तक ना इस्तेमाल नहीं किया है पता नहीं क्यों मैंने यूज़ नहीं किया है जो भी चीज़ काशिफ देते हैं ना वो मेरे लिए बहुत यूनिक हो जाती है तो उसको मैं रख देती हूँ मैं कहती हूँ यार इसको ना इस्तेमाल नहीं करते तो ये बहुत ही प्यारा सा बैग है एंड दिस इज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बैग जिसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम इस्तेमाल किया है और ये मैंने आई थिंक कहाँ से ख़रीदा था चेस से खरीदा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा स्पेस वाला बैग है एंड भाई ये वाला बैग जो है ये बाहर का बैग है यहाँ का नहीं है ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी फ्रेंड ने जैमी ने सो थैंक यू सो मच ये अब तक रखा हुआ है और मेरा हमेशा रहता है कि यार मैं दुबई जाऊँगी लेके जाऊँगी बाकू जाऊँगी लेके जाऊँगी लेकिन ले क्या होता है ज़्यादातर आप इस तरह के बैग्स यूज़ कर रहे होते हो ना जो इजीली आप कैरी कर लो लेकिन अब मैं जहां जाऊंगी ये लेके जाऊंगी ये वाला बैग भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही प्यारा सा बैग है इसके अंदर आप अच्छे से स्पेस है सारी चीज़ें रख सकते हो तो ये भी जो है वो हमने लिया था दुबई से इसके बाद आ जाते हैं इस कलेक्शन पे ये वेलवेट के जो है ना वो आ, छोटे वाले क्लच हैं तो ये मैंने हर कलर के ले लिए थे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे आप लोग देख सकते हो इसमें ब्लैक कलर है सिल्वर है गोल्डन है मरून है कि सारी चीज़ों पर चला जाए इस तरह से मैंने ये ले लिया था तो बड़ा ही प्यारा सा इसके जिसमें बहुत ही प्यारा सा काम हुआ हुआ है मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा रही हूँ और ये मैंने बहुत पहले लिए थे आई थिंक चेस से लिए थे शादी पे और ये तबके रखे हुए हैं और अजहान साहब मुझे तंग करने के लिए आ गए हैं कि मम्मा मैं कैसे ऐसे आपको वीडियो बनाने दूँ तो बहुत ही प्यारी कलेक्शन है मैंने अभी तक के ना इनको इतना यूज़ नहीं किया है लेकिन रखा हुआ है और ना मेरा दिल करता है कि मैं किसी को दूं कुछ शादी वाली चीज़ें होती है ना जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं तो वो आप रखते ही रखते हो वरना मैं सोच रही थी कि यार इनमें से भी किसी को दे दूँ मेरा ये होता है कि यार कोई यूज़ कर ले वो ज़्यादा अच्छा है आप इस्तेमाल ना करो उससे अच्छा उसके बाद फिर बारी आ जाती है भाई ये वाले बैग की ये बहुत ही प्यारा सा स्लिम सा एक क्लच है जो कि मैंने दुबई से जब शॉपिंग की थी कुछ कॉस्मेटिक लिया था तो तब ये मुझे मिला था वहाँ से दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल ये मेरी ईदी में आया था आ, शायद बरी का है शादी से पहले का ये भी मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये भी बहुत स्पेशल है ये मेरी शादी का है ठीक है ये वाला क्लच ये जिस जिसने ओके गाइस तो ये वाला जो है ना शादी वाला क्लच है मैं यहाँ पिक्चर भी लगा दूंगी तो बड़ा प्यारा सा है ये और थोड़ा सा मुझे ये चेंज लग रहा था वरना सब लोग इस तरह वाले क्लच ले रहे होते हैं तो मैंने इस तरह वाला भी लिया था गोल्डन फिर वो एनी लोगों ने ले लिया था तो ये मैंने कहा चलो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा उसके बाद फिर ये भी थोड़ा सा शादी ब्याह टाइप है फिर ये प्राडा ये बैग तो मैंने इतना यूज़ किया है इतना यूज़ किया है प्राडा बोल रही हूँ यार फ्रेंडली तो मैंने इतना यूज़ किया इतना यूज़ किया कि मैं आपको बता नहीं सकती ये मेरा बहुत स्पेशल बैग है मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था घर से में से किसी ने फिर ये डियोर का बैग है भैया ये तो यहीं से लिया था हमने उसके बाद ये दो बैग मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं जो मैं इधर उधर जाती आती रहती हूँ तो उसमें हमारे ये दोनों यूज़ हो जाते हैं इसके बाद यार इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है तो ये जो है ना मेकअप वाला जो है ना वैनिटी ये मुझे दिया था अरसलना ने मेरी बर्थडे पर जब हम छोटे थे मतलब छोटी थी बहुत छोटी थी उसने पैसे जमा करके मुझे दिया था और बहुत ही स्पेशल है ये अभी मैंने इसको ना आज तक संभाल के रखा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा अगर ये निकल जाए तो सो ये अरसलना मेरी जान ने दिया था इसकी चाबी भी इसके अंदर ही पड़ी हुई है तो ये मैं इन कभी यूज़ करूँगी मेरा मेरा ये होता है मैं पूरी आंटी टाइप बन गई हूँ बेटी होगी उसको दे दूंगी या बहू को दे दूँगी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं ना जिससे यादें जुड़ी होती हैं ये वाला मेरा वलीमे का है जिसपे मोर बना हुआ है क्लच ये मैंने इतना यूज़ किया इतना यूज़ किया इतना रफ एंड टफ़ यूज़ किया है बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा सा क्लच है ये वलीमे वाले ड्रेस के साथ का था ये भी मुझे बहुत पसंद है इसके साथ लिपस्टिक है ये भी एक क्लच है इसी तरह से ये वाला बैग भी बहुत प्यारा है ये मैंने बाकू जब गई थी तब लिया था आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के इसके स्ट्रैप्स हैं इसके बाद बारी आ जाती है भाई ये वाला बैग ये दो बैग जो है ना इसमें मेरे पास एक सिल्वर भी था और मेरे पास इसमें एक और कलर भी था लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो अभी जो मैंने बैग निकाले हैं देने वाले फेंकने वाले तो उसमें मैंने डाल दिया है सो ये बैग्स भी बहुत अच्छे हैं ये भी भाई बहुत ही प्यारे बैग हैं बहुत ही अच्छे बैग हैं बहुत ही स्पेशियस हैं इसमें बहुत अच्छी स्पेस है तो ये इस तरह से आप जो है ना यूज़ कर सकते हो हालांकि आप लोगों ने देखा हो कि मैं सिर्फ एक या दो बैग्स हैं वो लेकर घूमती रहती हूँ तभी एनी अरसल गुस्सा करती हैं ये भी सेम है तभी एनियस ना गुस्सा करती हैं जब तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें उरूज तो तुम यूज़ क्यों नहीं करती मैं कहती हूँ यार मैं नहीं यूज़ करती मेरा नहीं दिल करता जो मेरे पास एक दो चीज़ें होती हैं ना जो आप डेली यू you नो know, बस ले लेते हो और चले जाते हो तो वो जो है ज़्यादा बेहतर रहता है मतलब आइज़ मैं इस, इस वक्त इतने पसीने पसीने में हो रही हूँ ना आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अल्लाह की कसम मैं नाराज़ हो जाऊँगी आई हेट यू वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ कॉन्टेंट क्रिएट कर रही हूँ कि डेली आपको कॉन्टेंट मिलता रहे लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार इतने सारे लोगों वीडियोज़ देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो बड़ी मेहनत होती है बिकॉज़ मैं पंखा अगर चलाऊँगी तो फिर आवाज़ आएगी पीछे तो इसीलिए मैं सब बंद करके कर रही हूँ मैं और मेरा बेटा इस वक्त पसीने पसीने हो गए तो जान तो बस फिर ये सारे बैग्स की कलेक्शन है इसके अलावा एक हमारे पास ये वाला है वैनिटी इसके अंदर आप अपना कॉस्मेटिक रख सकते हो एंड इसका एक और सिल्वर भी है जो मैं अभी कहीं लेकर गई हूँ मैं लेकर आती हूँ एक सेकेंड ये रहा बैग मैंने ये अभी शूट किया था तो उसमें मैंने यूज़ किया था तो ये देखो ये एक मेरे पास सबसे बड़ा वाला गोल्डन में है सिल्वर में है ऐसा मैंने अपनी एक फ्रेंड है जनोवर उसको भी गिफ्ट दिया था तो ये बहुत ज़्यादा उस वक्त ना ट्रेंड में चल रहे थे ये काफ़ी बड़ा साइज़ है गाइस काफ़ी बड़ा साइज़ है इंस्टा पे मैंने अभी इसकी पिक्चर्स लगाई नहीं है आप लोग देख सकते हो तो ये दो भी मेरे फेवरेट हैं फेवरेट हैं क्योंकि यार ये मैंने काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंसिव बैग्स लिए थे तो मैंने आज क्या किया है मैंने यार आज सारे जितने भी देने वाले थे ना वो सब हटा दिए बाकी दूसरे हटा दिए ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो फिर आप रखो वरना मेरे पास एक करोड़ थिलुंडा बाजार लगा हुआ था मेरे पास बैग्स का तो आई होप कि आपको मेरे बैग्स की कलेक्शन अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा मेरे पास और भी कुछ लग्जरी कलेक्शन है वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रा शेयर करूँगी मैंने सोचा था कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे हजार व्यूज़ भी आ गए ना अच्छे लाइक्स आ गए तो फिर मैं सेकेंड बना दूंगी ये मेरे बेटे का बैग गिर गया है अज्जू आपको पता है ये बैग बाबा लाए थे ये देख रहे हो बाबा बाबा लाए थे ये जब आप स्कूल जाओगे ना तो फिर आप लेकर जाना ये बाबा लाए थे सऊदीया से आपके लिए ठीक है बेटे बहुत ही प्यारा सा बैग है ये पोलो बैग है मेरे बेटे का निशानी है ये तो भाई पाले बाबा की पाले बाबा लाए थे सुन रहे हो मेरी जान ओके okay, सो so ये सारी चीजें आप लोगों को आई होप देख के अच्छी लगी हो ओके गाइस सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो आज की वीडियो अच्छी लगी हो पसीने में लथ पथ होके जो रूज स्माइल ने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज बनता ही है रखिएगा अपना बहुत ख्याल मिलेंगे इनशाला नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आपको इसी तरह से मेरी शूज कलेक्शन मेरी शादी की यू नो कपड़े शपड़े ये वो बरी और जहेज ये सब देखना है तो आप लोग लाजमी कॉमेंट्स करना मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें भी दिखाऊँगी कुछ डिफरेंट करते हैं है ना तो यह yes, सभी चलो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं बाय बाय